गाइज वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। किड्स का स्प्रिंग ब्रेक तो हो चुका है, जिसके आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया किड्स स्प्रिंग ब्रेक में। बीच पे गए थे, फ्रेंड्स लोगों को घर पे बुलाए थे, आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं अभी इवनिंग में व्लॉग बना रही हूँ। कुछ अमेजन से मैंने ऑर्डर की है चीज़ें, तो बस उसका अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करना था। तो बहुत दिन से ये पेंडिंग था, बहुत दिन हो गए मैंने ये परचेज किया है घर पर, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसका वीडियो बनाने के लिए, इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो मैं सोची कि आज टाइम है तो ये सब कर लेते हैं। और देखिए गाइस, आज का मौसम अभी बज चुकी है 7 और देखिए पूरा उजाला है बाहर, कितना अच्छा वेदर है, इतना फ्रेश लगता है स्प्रिंग और समर का वेदर। समर में आफ्टरनून में गर्म होता है लेकिन इवनिंग में अच्छा लगता है, डार्क नहीं होता है। अभी 7 बजे फिर भी डार्क नहीं हुआ है, लेकिन इतना अच्छा वेदर है। तो गाइज ये सब प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आज मैं करने वाली हूँ, सब आपके साथ शेयर करूंगी। ये सब ये चिलकुक ब्रांड का ब्लेंडर है, तो इसमें स्मूदी शेकर और फूड चॉपर, फूड प्रोसेसर भी इसके अंदर है। 7 पीस का सेट है शायद ये, इसका अनबॉक्सिंग मैं करूँगी। और ये रिंग लाइट सेट है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, स्पेशली ब्लॉगिंग करते समय मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरे लिए ब्लॉगिंग में, शूटिंग में ये मुझे हेल्प करेगा, तो इसीलिए मैंने ये रिंग लाइट सेट ऑर्डर किया है। और एक सेल्फी स्टिक भी ऑर्डर की है अमेजोन से, ये भी सेल्फी वो सब लेते समय मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऑर्डर की है, और एक था मेरे पास स्टैंड कैमरा का, लेकिन ये तो गिफ्ट मिला है मुझे सरोनी के बर्थडे में, मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए शूटिंग में वो सब कुछ। तो ये 3 चीज़ें है, ये तो मैंने ओपन किया है इसको, सेल्फी स्टिक को इसको मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ। और अभी फर्स्ट मैं आपके साथ ये ब्लेंडर ओपन करूंगी, शेयर करूंगी क्या है, किस तरह से आया है इसके पैकेजिंग, इसका भी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। मैंने काफी रिव्यू चेक करके इसको ऑर्डर किया है अमेजोन से। मैं आपको इसको यूज़ करके, अगर ये मुझे अच्छा लगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। आपको अगर किसी को चाहिए, जो स्पेशली मेरे US के व्यूअर्स है, मुझे पता नहीं ये इंडिया में है क्या नहीं, लेकिन US में ये इजीली अवेलेबल है। मेरे जितने भी US के व्यूअर्स हैं उन लोगों को एक अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। तो फर्स्ट ये अटैचमेंट आया है, ये शायद ये है स्मूदी बनाने का जार है ये। और सेकंड ये है, इसमें कुछ भी ग्राइंड कर सकते हैं, छोटा जार है ये, शायद मुझे लगा है जूसर शेकर का है। और ये कुछ भी छोटा है, जैसे जीरा धनिया, कम क्वांटिटी में मसाला अगर ग्राइंड करना हो तो ये हेल्पफुल है, ये अच्छा है। अटैचमेंट है ये सब देखना पड़ेगा रीड करके मैनुअल। बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया है, आप ये देख सकते हो इस तरह से, ये फूड प्रोसेसर और चॉपर, ये स्मूदी शेक बनाने का है। और ये कम क्वांटिटी में कुछ भी ग्राइंड करना है, जीरा धनिया कुछ भी छोटा मसाला, चटनी बनाना है तो इसके अंदर पीस सकते हैं। बड़ा मेरे पास एक ऑस्टर ब्रांड का आपने तो देखा ही है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा और हेवी है ग्लास का, मुझे ऐसे ही कुछ लाइट वेट चाहिए था, स्पेशली अभी समर आ रहा है तो समर के लिए कुछ भी ड्रिंक्स बनाना हो तो ये काफ़ी लाइट वेट है, वॉश करने में भी बहुत ईजी रहता है। तो मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी, तो मुझे ये अच्छा लगा कि ये मल्टीपर्पज़ है, सब कुछ एक साथ एक कॉम्बो में आ गया जैसे।
और आप ये देख सकते हो, ये है बिग साइज का फूड चॉपर, फूड प्रोसेसर बोल सकते हो। इसमें आटा डाल के आटा का डो भी बना सकते हो, जहाँ कुछ पार्टी हो, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चॉपिंग ये वो सब कुछ करना है, अनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक, तो इजीली आप इसके अंदर डाल के इजीली चॉप फटाफट हो जाएगा ये सब चीज़ें। और ये ग्लास का है बाय द वे, ये काफ़ी हेवी है और ग्लास का है, और ये है फूड ग्रेड प्लास्टिक का ये कैप है इसके ऊपर, और ये बहुत सुंदर है दिखने में भी। और ये है शायद एक शेकर है शायद, ये मुझे ऐसा लग रहा है शेप से। और ये ब्लेंडर के ये भी है, साइड में कैप भी है ताकि हाथ कट ना हो, फिर बाद में ऐसे वॉश करने के बाद ऐसे लगा के रख सकते हो। ये बहुत ही और कांच का बहुत अच्छा है, फूड प्रोसेसर बोलो, फूड चॉपर बोलो, मल्टीपर्पज़ है ये। और इसका जो बेस है बॉडी है ये है गाइस, ये देखिए जी, ये भी काफ़ी एक हेवी है बॉडी, स्टेनलेस स्टील का ऊपर का पार्ट दिख रहा है, नीचे का ब्लैक, ये ऐसे अटैच करके इसको प्लगिंग करना है और बस शायद हाँ यहाँ से प्रेस करना है। और आपका इसमें आटा डालिए, आटा का डो बन जाएगा अच्छे से, कुछ चॉप करना है तो डालिए, अच्छे से चॉप होके निकल आएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये, देखिए गाइस ये इसमें एक बॉक्स में ये फूड प्रोसेसर, ये ऊपर का इसका और ये है छोटा सा पॉट जो कि इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, और ये है शेकर, ये जूस बनाओ, शेक बनाओ, कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर, ऐसे करके ग्राइंड करके ऐसे बना दो। और शायद ये इसका कैप है, ये है ऐसे करके एक बॉटल जैसा भी इसका यूज हो सकता है, मैं अभी नोटिस कर रही हूँ। तो जूस बना लो, शेक बना लो, और बस ऐसे जिम के लिए निकलो, हेल्दी ड्रिंक्स बना लो और ऐसे करके ये बॉटल के साथ निकलो। ये बॉटल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड ग्रेड है, तो मैंने ये सब कुछ पढ़ के रिव्यू चेक करके लिया है। देखो ये भी कैप इसको आता है और ये भी कैप इसको आता है, तो बस इजी टू कैरी जो बोलते हैं ना, उंगली में एक डाल दो और बस निकलो जिम के लिए, कहीं भी जाना हो, ट्रैवलिंग के लिए तो मैं बोलूँगी ये बेस्ट है। एक तो लाइट वेट है, अगर आपको फूड प्रोसेसर लेके नहीं जाना है तो सिर्फ आप ये मशीन और ये शेकर लेके जा सकते हो। कहीं भी आप होटल में रुके हो तो बस फ्रूट्स ले लो, कट करो, कुछ भी ड्रिंक्स कर लो, हेल्दी ड्रिंक्स, और बस आपका पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, या ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए, या घर पर्पज़ के लिए, पार्टी के पर्पज़ के लिए, मल्टीपर्पज़ है, इसीलिए मैंने ये परचेज़ किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी, वैसे तो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी यूज़ करने के बाद मैं इसका फीडबैक दूंगा आप लोगों को। और सेकंड मैंने ये परचेज़ की है रिंग लाइट से, जो कि मेरे ब्लॉगिंग में ये बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, तो मैंने इसको परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस ये रिंग आया है, इसके अंदर कैमरा रखना होता है, और ये मैनुअल है, इसको पढ़ के मैं सब सेट कर दूंगी। और ये भी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है, देखिए पैकेजिंग कितनी अच्छी हो रही है। और ये है स्टैंड, छोटा है।
और ये है रिमोट लाइट ऑन करने के लिए, रिंग लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। ये हो गया, देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे बैठेगा, इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ के मैं कर लूंगी। तो गाइस मैंने इसको लॉन्ग कर दिया है, लंबा कर दिया है, बस इसको नीचे से ऐसे स्पिन करने से ये लॉन्ग हो गया है इस तरह से। और ये रिंग लाइट सेट की है और यहाँ पे कैमरा होल्ड कर सकते हैं, और इस तरह से मैं कैमरा यहाँ पे होल्ड करके अपना अपना सेल्फ शूट कर सकती हूँ। और ये लाइट मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ, ये लाइट, ये देखिए लाइट ऑन हो गई है रिंग लाइट की। और ये इस तरह से इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकती है, देखिए गाइस ये एकदम ब्राइट हो गई एकदम, ये देखिए जितना आप चाहे इसको मेंटेन कर सकते हो। और ये इसको कम करना है तो बस ऐसे प्लस माइनस किया है, ये ज़्यादा हो रही है और ये कम हो रहा है, और बस इसको यहाँ से ऑफ करना है, ऑन करना है, ये इसका रिमोट है। बस इसका डेमो देना था मुझे, तो बस ये हो गया, तो मेरा शूटिंग का पर्पज सॉल्व हो गया बेसिकली। बहुत दिन हो गया, पहले मैंने ऑर्डर किया था लेकिन इसका अनबॉक्सिंग करने को मुझे टाइम ही नहीं मिला था, बीच में बहुत कुछ चल रहा था तो मैं कर ही नहीं पाई। आज थोड़ा टाइम था तो मैं सोची कि आज इसका अनबॉक्सिंग करके ये इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस यही था आज का वीडियो गाइस, आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा ये जो मैंने ब्लेंडर लिया है। ये तो मल्टीपर्पज वर्सटाइल बोल सकते हैं आप इसको, तो उसमें चॉपिंग और ये आटा कटोरा लगाना है तो लगा सकते हैं, शेक स्मूदीज जूस, और बना के इजी टू कैरी भी है, ट्रैवल पर्पज के लिए ट्रैवल फ्रेंडली भी है, और बहुत लाइट वेट है, हैंडल करने को भी इजी है। सिर्फ ये ग्लास का रहने से ये काफ़ी हेवी है लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। तो ये ब्लेंडर और ये रिंग लाइट और ये सेल्फी स्टिक जो मैंने परचेस किया है जो मेरी नीड थी स्पेशली फॉर ब्लॉगिंग, तो बताना आप मुझे आपको कैसा लगा। अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूँगी, आप मुझे बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे और अच्छे अच्छे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंस्टा का आईडी मेंशन कर दूंगी, मैं वहाँ पे फूड रिलेटेड पिक्स रील्स मेरे शेयर करती रहती हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और फिर मिलते हैं और एक अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।